हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर Realme मोबाइल बहुत स्लो चार्ज हो रहा है या फिर बहुत टाइम लग रहा है चार्ज होने में तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर ऊपर सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है रीसेट। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सिस्टम सेटिंग का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है रीसेट ऑल सेटिंग का या रीसेट सिस्टम सेटिंग का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, मोबाइल की पूरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। और आपको इस पर क्लिक करना है और लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड डालकर ओके कर देना है। अब जो प्रॉब्लम रहेगी यहाँ से वो सही हो जाएगी। फिर बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना है। तो कैसे रीस्टार्ट करेंगे, देखिए जो मोबाइल का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे, मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी और इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो गाइस, इस तरीके से आप सही कर पाएंगे, आपका फ़ोन तब जल्दी चार्ज हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो मोबाइल के चार्जर का डाटा केबल होता है उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो भी फ़ोन सही चार्ज नहीं होता है। तो आप क्या करना, एक बार किसी दूसरे डाटा केबल से अपने फ़ोन को चार्ज में लगाना और चेक करना कि फ़ोन कितना तेज़ चार्ज हो रहा है, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि डाटा केबल सही है कि नहीं है। और देखिए क्या होता है, जो मोबाइल के चार्जिंग पिन होती है उसमें धूल मिट्टी चली जाती है तो भी फ़ोन सही से चार्ज नहीं होता है। तो आप उसे देखकर अच्छे तरीके से साफ कर लेना और इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सही कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।